दोस्तों नमस्कार, घरेलू चिकित्सक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति की यूरिन पास ना हो यानी पेशाब रुक जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों उसके लिए मैं तीन आसान घरेलू उपाय आपको बताने जा रहा हूं जो कि आप घर में आजमा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आगे आने वाले मेरे इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। तो दोस्तों पेशाब के रुकने पर पहला उपाय आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। दोस्तों उसके लिए आपको आधा किलो प्याज लेना है, उसे एक किलो पानी में छोटे छोटे टुकड़े कर उबालना है। तो दोस्तों जब पानी आधा रह जाए तो उसको अच्छी तरह से छानकर एक कांच के बर्तन में रख लें और उसे रोगी को शहद मिलाकर दिन में 4 से 5 बार देते रहें। इससे रोगी को बहुत आराम होता है और पेशाब खुलकर आने लगता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि पेशाब के रुकने पर दूसरा उपाय आपको क्या करना है। तो दोस्तों उसके लिए आपको जीरे का बारीक पाउडर बनाना है और उसे प्याज के रस में रोगी को दिन में 3-4 बार देना है। इससे भी पेशाब खुलकर आने लगता है। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि तीसरा नुस्खा कौन सा है जिससे कि पेशाब एकदम खुलकर आ जाएगी। दोस्तों उसके लिए आपको नारियल पानी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों नारियल पानी में आपको प्याज का रस मिलाकर रोगी को दिन में 4-5 बार देना है। इससे भी पेशाब एकदम खुलकर आने लगती है। दोस्तों ये तीनों नुस्खे एकदम आजमाए हुए हैं, लेकिन अगर भी रोगी को आराम ना हो तो किसी अच्छे डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।